नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के नकोदर नेशनल हाईवे पर कार और स्कूटी में हुई जबरदस्त टक्कर, स्कूटी सवार एक बुजुर्ग की हुई मौत, एक गंभीर जख्मी। संगरूर के गांव कांचला के एक युवक ने विदेश गई पत्नी द्वारा तलाक का नोटिस भेजने पर की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी सहित चार लोगों पर किया मामला दर्ज। फिलौर के नवी आबादी स्थित एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, 3 सोने की बालियां, 1 जोड़ी झुमके, 2 चेन और 25,000 की नकली देवी। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के नकोदर नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार द्वारा 2 स्कूटी चालक को टक्कर मारी गई, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर जख्मी हो गया। वीडियो से साफ जाहिर होता है कि कार की स्पीड 100 से ऊपर थी और 35 से 40 फुट से कार चालक द्वारा ब्रेक लगाई गई, लेकिन फिर भी हादसा होने से बचाव नहीं हुआ। पुलिस द्वारा वाहनों की अपने कब्जे में लेकर अगली कार्यवाही की जा रही है। वहीं नकोदर सिविल अस्पताल के डॉक्टर शिल्पा ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की अस्पताल आने से पहले मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे जालंधर रेफर किया गया है। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ दूरी पर उन्होंने इस सड़क हादसे की आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी, तो वह भागकर वहां पहुंचे और देखा तो हादसा इतना भयानक था कि एक्टिवा के परखच्चे उड़ गए। इस संबंधी नकोदर सिटी थाना के ASI राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि कार चालक की गलत साइड से आ रही स्कूटी सवार व्यक्तियों के साथ टक्कर हुई है और कार चालक द्वारा बहुत दूर से ही ब्रेक लगाई गई, लेकिन हादसा फिर भी घटित हो गया। फिलहाल वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ਜਾਨੰਦਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਾਲਤ ਭਾਈ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਜਣੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਚੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਗੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰੋਡ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੈਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਕੈਨ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। 2 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, 1 ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਾਰ ਆ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਕੋਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯੂ ਟਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਆਈ ਆ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ PV08DD58703। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਪਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। पति के पैसों पर विदेश में आनंद ले रही पत्नी द्वारा जैसे ही पति को तलाक का नोटिस भेजा गया तो पति ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली।
यह घटना संगरूर के गांव कांचला की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 साल पहले मृतक जगमीत सिंह की जसप्रीत कौर के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड वीजा पर गई पत्नी जसप्रीत के खाते में पहले 14,80,000 रुपए जमा करवाए गए थे और 1.5 वर्ष बाद जसप्रीत कौर की पढ़ाई की फीस के लिए $18,000 उसके देवर द्वारा जमा करवाए गए थे। 14,80,000 रुपए की राशि को जसप्रीत कौर ने अपने पति को बिना बताए दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा लिया। मृतक जगमीत सिंह के परिवार वालों ने इसमें जसप्रीत कौर और उसकी मां की मिली भुगत बताया, जिसके चलते मृतक काफी परेशान रहने लगा और अब जब पत्नी द्वारा उसको तलाक का नोटिस भेज दिया गया तो उसने गहन डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार गहरे सदमे में है और गांव में मातम का माहौल है। इस संबंधी DSP धूरी योगेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पहले इंडिया में मौजूद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और बाद में ऑस्ट्रेलिया में रह रही मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि मृतक के पास से सुसाइड नोट और कुछ वीडियोस भी बरामद हुए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। यदि घर ने ना धोखा किया, 420 की है सारा तो खर्चा करा के, तो इनू बिल्कुल पैसे तो सारा भरवा ले, खाते चो पैसे ले ले, तो जदों मौका आया इनू बाहर बुला का तो इन तलाक के कागज भेजते, उस टेंशन चो परेशानी से अपने घर पखे ना फाह लैके मरिया। जदों तुसी देखिया किन्ने क बजे का टाइम सीगा? सवेरे 9:30-10 बजे का टाइम सी जी, जो ये साढ़े आंटी बाहरों आए लभ्या ना करे, तो अस देखा चुबारे जाके देखा तो उपर यह पखे ना लटक रहा सीगा। कोई लिखती? हाँ जी बिल्कुल, एक पूरा कागज पर लिख के गया सारा कुछ भी, ना किने किने की धोखा किया है, जिसे इन्हें अपनी घरवाली जसप्रीत कौर पुत्री रशपाल सिंह, अपनी सस कुलवंत कौर पत्नी रशपाल सिंह, अपनी साली गुरजीत कौर, तो साडू दलजिंदर सिंह सिद्धवा बेटा है, तो ये सहुरे है सवद्दी खुरद पिंड, सारा नाम लिख के गया, सारी डिटेल लिख के गया, अपने पापा की फोटो के अगे भी लिख के गया, वो फोटो के पिछे लिख के गया, तो बकायदा सुसाइड नोट सारा असी पुलिस को दे दिता है, तो FIR असी करा दी है। डिवोर्स भेजा कहें भी मैं सैपरेट हुई हुई हाँ, इतों 2 दिसंबर 2019 की जो कोविड तो पहला उत्थे विजिटर वीजे तो कट्ठे गए थे, उदों की 2,70,000 तो 4-5 महीने पहला लैके हटी है। ये यदा विआह 4 साल पहला होया जगमीत सिंह का जसप्रीत कौर नाम की लड़की के नाल, इस तो बाद दोनों विजिटर वीजा से ऑस्ट्रेलिया गए थे, दैन वो स्टडी वीजा से जसप्रीत कौर को इन्होंने बाहर भेजा सीगा, तो वो एलीगेशन बेसिकली जसप्रीत कौर ते उहदी मदर ते जसप्रीत कौर की सिस्टर ते उहदे अगे हसबेंड ते लगे है कि इन्होंने जगमीत सिंह तो लैजडली पैसे लए, एक तो बाहर भेजन का सारा खर्चा जगमीत सिंह ने किया, इस तो इलावा भी कुछ बैंक ट्रांजैक्शन जिहड़ियां होईयां उन्हां दे अकाउंट्स दे विच, तो बेस से जिहड़ा जिहड़ा जगमीत सिंह हैगा वह काफ़ी स्ट्रैस च रहिंदा सीगा। कुछ दिन पहला जगमीत सिंह ने अपनी जॉब छड्डी सी, जॉब छड्ड के वह बेसिकली ऑस्ट्रेलिया बाहर जाना चाहता सीगा, बट जदों जिवें उन्हां दी माता ने स्टेटमेंट दित्ती है कि जदों इन्हें अगे कॉन्टैक्ट किया जसप्रीत कौर नाल, तां उन्होंने अगे तलाक के जिहड़े हैगे आ कागज़ जसप्रीत सिंह जगमीत सिंह नूं भेजते, तो वो करके ज़्यादा स्ट्रैस सीगा, इन्हें अपनी माता ना भी गल की, वो ऑस्ट्रेलिया रहिंदे आ, इन्हूं स्पेसिफिकली इसे मसले दे विच उस दिन आए सीगे। फिलौर के नज़दीक नगर गांव के मोहल्ला नवीन आबादी में चोरों ने घर को निशाना बनाया। इस संबंधी जानकारी देते हुए मकान मालिक अशोक कुमार ने कहा कि उसका बेटा बीमार है, जिसके चलते वे अपने परिवार के साथ घर को ताला लगाकर दवा लेने फिलौर गए थे। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उनके घर के ताले टूटे पड़े थे और उनकी अलमारी और बेड में पड़ा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि चोर घर में पड़ा सोना, जिसमें 3 बालियां, 1 जोड़ी झुमके और 2 चेन शामिल है, इसके अलावा चोर 25,000 रुपए की नकदी भी चोरी कर ले गए, जिसकी शिकायत फिलौर थाना में दर्ज कराई गई है। इस संबंध में ASI गुरनाम सिंह ने कहा कि उन्हें इस संबंधी लिखित शिकायत प्राप्त हुई है और इस चोरी के संबंध में विस्तृत जांच की जाएगी और चोर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भाई मेरा नाम राकेश कुमार है भाई, नवीवादी नगर का रहने वाला जी। ठीक है जी, मेरे घर दोपहर में मतलब 11 बजे 10:30 बजे मतलब हो गया, मैं अपने बच्चे की दवा लैन, जो असी मुड़ के आए तकरीबन 2:30 या 2:30 का टाइम होना जी, उन्हें कहा मुड़ के आए तो देखा जी मेरे बाहर लजेंदा लगा ही
ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਚੈਨ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਫਲੌਰ ਤਨਾਤ ਆ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ ਪੰਜ ਵਜੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ATM ਕਾਰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਗੋਰਾਇਆ ਮੇਂ ਲੂਟ ਪਾਟ ਵ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਚੋਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰੋਂ ਕਾ ਜਹਾਂ ਚੋਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਤੀਨ ਬਾਰ ਮੋਟਰੋਂ ਕੀ ਤਾਰੋਂ ਕੋ ਕਾਟ ਕਰ ਲੇ ਗਏ ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਗੋਰਾਇਆ ਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਚੋਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਮੋਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਤਾਰੋਂ ਕੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਤਾਰੇ ਵੀ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਚੋਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾਓਂ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ उन्होंने बताया कि एक मोटर की तारें दोबारा डालने पर 8 से 9 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है और एक महीने में 3 से 4 बार मोटरों से तारों की चोरी हो चुकी है उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंधी अभी पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है गोराया से पंकज शर्मा की रिपोर्ट असी नगर कौंसल गोराया तो आए हैं नंबर 32 इतने पहला भी चोरी हो चुकी थी अज दोबारा भी चोरी हो चुकी है ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में जालंधर के गुरुद्वारा श्री सिंह सभा मोहल्ला गोविंदगढ़ से भव्य नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया व 5 प्यारों की अगुवाई में धूमधाम से निकाला गया यह नगर कीर्तन शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन में जाकर संपन्न हुआ नगर कीर्तन के मार्ग में विभिन्न धार्मिक संगठनों ने फूलों की वर्षा कर और विभिन्न व्यंजनों के लंगर लगाकर नगर कीर्तन का स्वागत किया इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने गुरु महिमा का गुणगान कर वातावरण को गुरुमय बना दिया इस मौके पर सांसद संतोष सिंह चौधरी विधायक रमन अरोड़ा विधायक बाबा हेनरी पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ आप नेता राजविंदर कौर इकबाल सिंह ढींडसा सतपाल सदीकी भूपेंद्र सिंह खालसा जगजीत सिंह गाबा अमरजीत सिंह अमरी ने विशेष तौर पर शिरकत कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट पावन पर्व के उपलक्ष्य के अज नगर कीर्तन निकालिया जा रहा मैं पूरी साध संगत को भी बहुत बहुत बधाई देना और प्रभु बाबा जी के अगे बेनती करना कि हर वर्ग हर समाज हर बंदे नू अपने चरणों के निवास स्थान देन और इस तरह ही अपना मेहर भरिया हाथ रखन बाबा जी जो कि सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज सदा ही अपने बच्चों पर मेहर भरिया हाथ रखते हैं असी चाहते हैं कि एक महाराज जी दियाँ जो बाणी है असी उन्हें अपने जीवन च अपनाइए और अपना जीवन सुरक्षा करिए गुरु नानक देव जी के आगमन पर्व दियाँ मैं समूह साध संगत को लख लख बधाई दी जो अज नगर कीर्तन शहर के कढ़िया जा रहा है सेंट्रल टाउन गुरुद्वारा साहब तो अज नगर कीर्तन शिरकत की असी साढ़े नाल मेरे MLA साहब रमन अरोड़ा जी सेंटर तो महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी के अगे ये अरदास करते हैं कि जिहड़ी सेवा उन्होंने सानू दी आ पंजाब की सेवा लाई आ जिहड़ी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस सेवा नू असी वधिया तरह निभा सकीए ते पूरी साध संगत ते अपना मेहर भरिया हाथ रखण सच्चे पातशाह सारी संगत जिवें असी उन्हां दे आगमन पुरब मनाउंदे आए हाँ इदां ही असी उन्हां दे जिहड़े आगमन पुरब मनाउंदे रहिए ते इदां ही रौनकां लगदियां रहिण श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़े के संबंध में
अज जो नगर कीर्तन जलंधर शहर के कटिया जा रहा, मैं सारिया ही संगतों को अज के इस शुभ मौके के उपर बहुत बहुत बधाई देना और उस परम पिता परमात्मा के चरणों के अरदास करना कि साडा आपसी प्यार आपसी सहयोग आपसी भाईचारा इस तरह बनया रहे और एक परंपरा बन गई। जो भी पंडित उत्सव आता है कदम अपने आप हर एक व्यक्ति के इस नगर कीर्तन के जोड़े है चल पाते हैं। पहली पातशाह गुरु नानक देव जी ने जो है कि भी उन्होंने आपसी भाईचारा प्रेम का संदेश उन्होंने कहा मिट्टी धुंद जग चानन हो प्रगट होना जोड़ा है जी अज्ञानता और छुआछूत जी है उन चीज़ों को छटी और आपसी भाईचारे का प्रयोग मैं मंगल कामना कर रहे तो हिंदू भाषा गुरु नानक देव जी ने गोपाल पंपा सारे में बनी रहे और पंजाब और देश का प्रेम अमन शांति और भाईचारा बहुत मजबूत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिन्होंने करतारपुर का अज बड़ा ही खुशियां भरिया दिन आ सारी दुनिया को चंगे रस्ते लाने वाले गुरु नानक देव महाराज जी पहली पातशाह जी का अज गुरपुरब मनाया जा रहा है। जलंधर के नगर कीर्तन निकल रहा है, ये पुरातन समय तो नगर कीर्तन इसे रूप से निकलता है। सेंट्रल टाउन की कमेटी इहदे विच मुख तौर पर सारी प्रबंधक कमेटियां नाल लैके सारे स्कूलों सारे इदारों नाल लैके अज जलंधर शहर की परिक्रमा होनी है। अज जलंधर शहर के कढ़िया जा रहा है, उस संबंध के संगतों के बहुत उत्साह आ। मैं सारिया संगतों को बहुत बहुत गुरपुरब की बधाई दिना और प्रशासन वालों असी सारे अच्छे प्रबंध किए हुए ने ताकि किसी किस्म की कोई रस्ते दे विच नगर कीर्तन को कोई रुकावट ना आवे। असी ट्रैफिक दे सिक्योरिटी दे रूट लाइनिंग रूट टॉप्स सारे प्रबंध किए हुए ने, एंटी सैबोटेज की हुई है और सारे प्रबंधकों नाल पहला मीटिंग करके असी ये सारे प्रबंध अमल च लिया है और मैं सारे शहर वासियों में अपील करता है कि हम आके शामिल हों और अमन शांति नाल इस दाला हला धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र प्रकाश में समर्पित जो शहर दियाँ समूह सिंह समावं धार्मिक जथेबंदियां इसी कीर्तन सत्संग समावं समूह गुरु नानक नाम लेवा साध संगत के सहयोग के नाल जो नगर कीर्तन सजाया जा रहा है उसकी आरंभता अज सवेरे 11:15 गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा महला गोबिंदगढ़ तो हो चुकी है, जिसकी अरदास भाई साहब भाई कुलविंदर सिंह जी जिहड़े साबका मुख अरदासी श्री दरबार साहब अमृतसर उन्होंने की है और उसके नाल उत्थे संगतां दा जतार पातशाह की बख्शिश नाल सारिया सिंह सभावां दे सहयोग दे नाल पहलां नालों बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा जिहड़ियां संगतां नाल चल रही हैं और सिंह सभावां दे सारे नुमाइंदे उत्थे मौजूद हैं जिहड़े नगर कीर्तन दे नाल चल रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे पराली का धुआं आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है इसी तरह सियासत भी दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। पंजाब में जहां पराली के धुएं से बीमारियां बढ़ी हैं वहीं लोग भी परेशान हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नाभा विधानसभा क्षेत्र में भी लोग पराली के धुएं से जूझ रहे हैं। इस संबंधी नाभा सरकारी अस्पताल की डॉक्टर अनुमेहा भल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और ज़्यादातर मरीज खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ और बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। इस अवसर पर नगर निवासी मनीष मित्तल एवं पर्यावरण प्रेमी अवजिंदर सिंह जोगी गरेवाल ने कहा कि किसान पराली को आग ना लगाएं और सरकार को भी पराली के संरक्षण के लिए किसानों का समर्थन करना चाहिए। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। धुएं नाल जी हुण देखो विजिबिलिटी का बहुत बुरा हाल है, विजिबिलिटी सारी मतलब बहुत घटी हुई है, खांसी जुकाम की दिक्कत आ रही ने आम पब्लिक नूं, बजुर्गों का बहुत बुरा हाल है, बच्चे स्कूल जान लगे भी बड़ा वो होंगे भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, बाकी एक्सीडेंट हो रहे हैं पराली के जलन नाल, दिक्कत तो बहुत सारिया। तुसीं की मांग करदे? असीं मांग करते हैं जी भी किसानों को सहूलत प्रदान कीतियां जान भी जिहदे नाल पराली उन्होंने अगे ना लानी पवे। कई संसाधन ने जिवें हुण अपने सीडर आ रहे हैं जिहड़े पराली खत्म कर देंदे ने बिजाई कर देंदे ने, वो
जिद ने पराली अग लाने की लड़ ही नहीं पैंती। बहुत सारे उपराले किए जा सकते हैं जेडे आ दिन ने, इस करके बहुत ही हूँ। एक बारहों कपल आया सी, मैनू उन्होंने फोटो दिखा के गए, अखा चो उन्होंने एक जिमें चमड़ी उतर उतर के बाहर निकल के गिरन लग गई पोल्यूशन करके, क्योंकि उधर तो उन्होंने पोल्यूशन कभी देखे ही नहीं। तो आप किन्ने अपने शरीर नाल धक्का कर रहे हैं, किन्ना कि ये अपना नुकसान हो रहा है, आपां नूं पता नहीं चल रहा। देखो हैल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत एसोसीएटेड होंगी, ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का होंगे, एलर्जी कॉफ के साथ पेशेंट्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉरन बॉडी सेंसेशन या सोर थ्रोट वगैरह के साथ आते हैं। कुछ लोग जो अस्थमेटिक होते हैं उनकी एग्जैसरबेशन हो जाती है, उनको सांस की तकलीफ और ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम लेमैन के लैंग्वेज में कहते हैं सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। उन्होंने जी अस्थमैटिक्स उन्होंने पंप की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उन्होंने दवाइया की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उन्होंने कई बार इंजेक्शन लगाना पै जाता है, क्योंकि वो जो धुआं है वो एवं एग्जैसरबेशन कर देता है अस्थमा की। पंजाब सरकार युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत नाभा के रिपू दमन कॉलेज ग्राउंड में आज़ाद वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब और एनआरआई भाइयों के सहयोग से चौथे दो दिवसीय कबड्डी कप की शुरुआत की गई। इस कबड्डी कप का आयोजन जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष जस्सी सोयावाला द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन समारोह में पटियाला जिले के ADC गुरप्रीत सिंह थिंद और प्रीत ग्रुप के डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन जस्सी सोयावालिया ने कहा कि वे पिछले 4 साल से लगातार कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों का त्याग कर खेलों की ओर आकर्षित हो, और सरकार भी खेलों के प्रति काफी प्रयास कर रही है। इस मौके पर पटियाला के ADC गुरप्रीत सिंह थिंद और प्रीत ग्रुप के डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह ने कहा कि चेयरमैन जस्सी सोयावाला वाले बधाई के पात्र हैं, जिनके द्वारा लगातार चौथी बार कबड्डी कप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट पिछले 2 साल में कोरोना काल में नहीं हुआ था, लेकिन अब शानो शौकत के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। कबड्डी कप जिहड़ा है साडा पंजाब दा बड़ा ही सानू माण है कि कबड्डी पंजाब दी खेड है, ते मैं चेयरमैन सोइया साहब दा बहुत धन्नवादी हाँ, SDM नाभा साहब दा भी बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने यह जिहड़ा इत्थे कबड्डी कप दा आयोजन किया है। बहुत ही वधिया खेड है, ये जिहड़ा हैगा जिहड़े बच्चे फिजिकली फिट होंदे ने उही इह खेड नूं खेड सकदे ने, ते होर बच्चों भी जिहड़ा हैगा इह मोटीवेट करदा कि आपां इस स्पोर्ट्स नूं अडोप्ट करिए, कबड्डी खेडिए, ते बच्चों नूं जिहड़ा हैगा नशियां तों भी दूर रखदा, चंगी पढ़ाई भी तां ही संभव है जेकर बच्चे कोई खेड गेम खेडण। जिथे जिहड़ा शरीर तंदुरुस्त रहिंदा उत्थे असीं अपने समाज दा अपने परिवार दा जिहड़ा नाम भी उच्चा करदे। देखो जिहड़ियां अज्ज पहले दिन टीमां खेड रहियां 47 किलो 55 किलो ते 65 किलो दे मुकाबले ने, ते कल नूं कबड्डी 75 किलो तो इलावा कबड्डी आल ओपन दीआं 8 टीमां जिहड़ियां क्लबां दीआं उहनां दे मुकाबले होणगे, ते इस तों इलावा पंजाब दे प्रसिद्ध गायक हरजीत हरमन, गायिका रुपिंदर हांडा, दीप ढिल्लों, जैसमिन जस्सी ते जैली जिहड़े दर्शकां दा मनोरंजन करनगे। फरीदकोट में लगातार मोटर्स चोरी होने के बढ़ते मामलों के रोष स्वरूप राष्ट्रीय किसान यूनियन की ओर से मिनी सेक्रेटरिएट में 53 दिनों से दिन रात का धरना चल रहा था, जिसे चलते फरीदकोट के हल्का विधायक गुरदित सिंह सेखो और SSP राजपाल सिंह संधू धरनास्थल पर पहुंचे और किसान जत्थेबंदियों को आश्वासन दिया कि पुलिस की ओर से बहुत सी मोटर्स बरामद की गई हैं और जल्द चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके चलते राष्ट्रीय किसान यूनियन के राज्य प्रधान बिंदर सिंह गोलेवाला ने धरना मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। हर काम आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की सरकार, जिस काम के कोई लोगों को दिक्कत आऊगी वह हल करना साडा फर्ज बनता। पिछले लंबे समय दौरान जो बहुत पुराने तो भी जड़िया चोरिया हुई सी उन्होंने हल नहीं लग रहा, पर असी जो हम सरकार बनने तो बाद हल भी किया, बंदे भी फड़े, जोड़े जो चोर से चोर भी फड़े, जिते कि गुआड़ियां बेचते सी गुआड़िए भी फड़े, कोई भी बंदा माड़ा जरा बख्शा नहीं जाऊगा, और इन्हों असी आपकी रिपोर्ट देती है किसान आगुआ होर भी जे कित आने वाले समय से कितने कोई दिक्कत आँगी असं बैठ के गलबात कर जे संबंधित डिपार्टमेंट ने उन्होंने नाल मानयोग MLA साहब और मंत्री साहब टेकअप कर रहे हैं, जोड़े मुद्दे उन्होंने पुलिस प्रशासन के नाल से उस संबंधी असी डिटेल उन्होंने नाल गलबात की हैगी और संतुष्ट आ, और
जिहड़े उन्हां दे बाकी रहिंदे मुद्दे हैगे ने, कुछ पुराने पेंडिंग मुद्दे हैगे ने, ओह वी असीं जल्द जिहड़े हैगे ने ओह हल करवा दें। श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में ठाकुर जी और तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें बनवारी प्रसाद शास्त्री ने तुलसी विवाह का महत्व बताया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान वर पक्ष की ओर से सुशील संदल, कर्णेश संदल, विजय लक्ष्मी, गणेश संदल, वंदना सागर, सुदेश शर्मा, सीमा शर्मा और वधु पक्ष की ओर से सुधीर झा, देविका झा, हर्षिता झा, रोशनी गुप्ता, संगीता गुप्ता, मधु सिमरन, सपना ने अपनी भूमिका निभाई, जिसके पश्चात महिला कीर्तन मंडली द्वारा संकीर्तन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया गया। इस विवाह समारोह में निर्मल शर्मा, किरण मिन्हास, सुमन पाठक, मोनिका कपूर, सुदेश राणा, राधा रानी, श्यामा, पूजा बिमल, सुरेश शास्त्री, ललित जोशी, राधेश्याम मिश्रा, दीपक जोशी, जनक राज पाठक भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव प्रबोधनी एकादशी और जिसको हम देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, आज ठाकुर जी का चतुर्मास का जो व्रत वैष्णवों ने रखा होता है वो समाप्त होता है और साथ में ही आज श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेस वन पंजाब एवेन्यू में तुलसी माता का विवाह का भव्य आयोजन। सभी लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सारी संगत जो सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेस वन में सभी भक्तजनों को आज बहुत बहुत बधाई और सभी देशवासियों को साथ में सभी पंजाब वासियों को तुलसी माता के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जालंधर के मोहल्ला करार खां स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में मोहल्ला निवासियों और मंदिर कमेटी के सहयोग से तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें पंडित राम नारायण और पंडिताइन राधा रानी ने विवाह समागम की रस्मों को विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण सहित अदा करवाया। इस अवसर पर ममता वर्मा और मनोज वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान उषा शर्मा, सुनीता चौधरी, निर्मल शर्मा, सीमा गल्होत्रा, अंजू खेड़ा, पूजा शर्मा, पूनम सरोज भारती, रानी सुधा कपूर, कमलेश शर्मा, लवली रानी शर्मा, इंदु सतीश शर्मा, गुलशन अरोड़ा, रमेश अरविंदर, गुलशन खेड़ा और विनोद कुमार ने भी अपना सहयोग दिया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
मनसा माता का बांके बिहारी मंदिर और करार खां मोहल्ले की कमेटी ने मिलकर विवाह कराया है। ये विवाह हर साल बड़ी खुशी के साथ होता है। इसमें विवाह करने के बाद सभी लोगों को बड़ी खुशी आनंद मिलता है, इसलिए हम आगे को भी यही सोचते हैं कि भगवान लगातार हर साल जब तक हमारे श्वास रहें ये हमारे से करवाते रहना। ये बहुत खुशी की घड़ी है और बहुत अच्छा काम है, सभी मिलकर इसको करते हैं, किसी में इसका वो नहीं है। फिर मैं करता जो साढ़े अजकल बच्चे जो साढ़े कल्चर नहीं भूली जा रहे हैं, असं ये सारा कुछ बच्चे जो नवे नवी पीढ़ी आ रही है वो देखन, वो भी इस रस्ते चलन और परमात्मा नाम लैन, जो नशे च बच्चे है उधर हट के इधर परमात्मा ध्यान ला। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में लुधियाना के न्यू मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से विशाल नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया व पांच प्यारों की अगुवाई में धूमधाम से निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से आरंभ होकर कोचर मार्केट चौक मॉडल ग्राम न्यू मॉडल टाउन मिड्डा चौक जवाहर नगर कैंप से होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में स्कूली बच्चे, घोड़े, बैंड बाजे, गतका पार्टी, स्त्री सत्संग सभा की सदस्याएं मौजूद हुई। नगर कीर्तन का मिड्डा चौक में वार्ड नंबर 68 के समाज सेवक जोगिंदर पाल माडी व उनकी टीम ने लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। नगर कीर्तन में जय मां वैष्णो देवी क्लब के सरप्रस्त रामचंद्र सोनू बटवाल, जज घर सभा के चेयरमैन महेंद्र पाली, पार्षद ममता आशु, पूर्व पार्षद कपिल कुमार सोनू, समाज सेवक अजय ढंग, पार्षद बलजिंदर सिंह बंटी, गुरुप्रीत सिंह मिड्डा, हर कृष्ण दयाल सिंह मिड्डा, किशोरी लाल, गुरुदेव भगत, कांग्रेस नेता राजकुमार तरगोत्रा विशेष तौर पर मौजूद हुए। इस मौके पर आए हुए गणमान्यों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार हरमिंदर सिंह कोहली, राजेंद्र पाल सिंह टिंकू व सदस्यों की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरदीप सिंह, अमरीक सिंह, राजेंद्र पाल सिंह टिंकू, गुरसीत सिंह कोहली, परविंदर पाल सिंह, मनमोहन सिंह, हरमनजीत सिंह, तरनजीत सिंह, गुरविंदर पाल सिंह बत्रा, नजर सिंह, इंद्रजीत सिंह नारंग, जोगिंदर सिंह, अमनदीप सिंह, करण सिंह जौहर, मैनेजर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। अज गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा तो नगर कीर्तन श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के उत्सव से बहुत सजाया गया सी। अज असी वार्ड नंबर 68 वालों गुरपुरब के उत्सव से उन्होंने फुलों की बरखा करके स्वागत किया। तो मैं सारे को बधाई देना, मालिक गुरु नानक देव जी सारे के घर में सुख शांति। साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दियाँ सारे जगत को लख लख वधाइया जी। उन्होंने आगमन पुरब जेडे कि 8 तरीक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा न्यू मॉडल टाउन विखे समूह संगतां दे सहयोग नाल मनाए जा रहे। अज उन्होंने संबंध में मिति 5 तरीक गुरुद्वारा साहब तो नगर विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा अपना लख लख पड़ावां तो हुंदा आया गुरुद्वारा साहब विखे समापत हो रहा, जिस स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे, सुखमणी सेवा सोसाइटियां, इसरी संघ सभावां, वीर खालसा दल, गतका पार्टियां, बैंड बाजिया वाले सारे छोटे छोटे बच्चे शब्द कीर्तन करते राही गुरद्वारा साहब विखे पहुँच रहे हैं। मैं फिर सारी संगतां नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां देना जी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के नकोदर नेशनल हाईवे पर कार और स्कूटी में हुई जबरदस्त टक्कर, स्कूटी सवार एक बुजुर्ग की हुई मौत, एक गंभीर जख्मी। संगरूर के गांव कांचला के एक युवक ने विदेश गई पत्नी द्वारा तलाक का नोटिस भेजने पर की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी सहित चार लोगों पर किया मामला दर्ज। फिलौर के नवी आबादी स्थित एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, 3 सोने की बालियां, 1 जोड़ी झुमके, 2 चेन और 25,000 की नकली गहने। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।